खिलाफ में अशोक महतो को उतारा गया है, कौन चुनाव है? हमको ये नहीं मालूम है, हमको ये सब जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा अंततोगत जनता तय करती है, जनता मालिक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है, जनता मालिक है कि किसको चुना अपना प्रतिनिधि चुनती है। विकास मेरा सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, मैंने विकास हर घर तक हर गांव तक करके पहुंचाया है। महागठबंधन नहीं है वो, महा मतफुटौल है, वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और देखिए अब जो है नॉमिनेशन हो रहा, एक तरफ जो है एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है लेकिन सीट का बंटवारा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारा भी हो गया है और नामों की भी घोषणा हो गई है। जदयू की तरफ से जो है तमाम नामों की घोषणा हो गई है कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है काफ़ी हॉट सीट हो गया है क्योंकि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उतर रहे हैं, तो वहीं बाहुबली अशोक महतो भी अब वहाँ से हुंकार भरेंगे। उनकी पत्नी को राजद की तरफ से लोकसभा का टिकट दिया गया है और राजद सिंबल पे वहाँ चुनाव लड़ेगी, एक दूसरे में खूब दंगल देखने को मिलेगा। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, अशोक महतो आपके अशोक महतो की पत्नी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। आपके खिलाफ में अशोक महतो को उतारा गया है, कौन चुनाव है? हमको ये नहीं मालूम है, हमको ये सब आप लोगों का काम है, ये आपका काम है, इसलिए कि आपको दिन भर न्यूज कुछ ना कुछ चलाना है तो ये सब चलाते रहिए। हमारे लिए कौन उम्मीदवार है कौन होगा उस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने करते हैं, जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा अंततोगत जनता तय करती है, जनता मालिक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है, जनता मालिक है कि किसको चुनाव अपना प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में हर समय मेरा मुद्दा विकास होता है, हर समय हर चुनाव में मेरा मुद्दा विकास होता है, और विकास मेरा सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, मैंने विकास हर घर तक हर गांव तक करके पहुंचाया है, और जनता के सुख दुख में शामिल रहना। हम महीना में 10 दिन 12 दिन अपने क्षेत्र में गांव-गांव घूमते हैं तो जनता के दुख सुख में भी शामिल रहते हैं और विकास का काम भी करते हैं। लालू यादव बिना सीट शेयरिंग के पहले उम्मीदवारों को सिंबल बांटने में सब कुछ ठीक था, महागठबंधन में सिंबल बांट रहे हैं, महागठबंधन नहीं है वो, महा मतफुटौल है, वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है, तो ये तो गठबंधन है, तो उस गठबंधन का क्या पूछते हैं प्रतिक्रिया? तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए कोई भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, जनता तय करेगी आखिर किसे वोट करना है, हम अगर चुनाव वहाँ से लड़ते हैं तो हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, हमने जो काम किया है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे सामने कौन होते हैं कौन नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक तरफ अशोक महतो कह रहे हैं इस बार कोई नहीं है टक्कर में, सब हवा में उड़ जाएंगे, धुआं हो जाएगा और यहाँ तक कि जमानत जब्त हो जाएगी ललन सिंह का, इसको लेकर के भी देखिए ललन सिंह ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी चुनाव में उतरे उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।